अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मलिक उल अदाटर्स की। जी फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? अपने अपने घरों में, अपने अपने फैमिलीज के साथ। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। जी तो फ्रेंड, ईद का जो है सेकंड डे है। यहाँ पर मैं आया यहाँ पर बच्चों के साथ नियर तुजला मदीना पोर्ट विया पे, तो आपको यहाँ पर ज़बरदस्त सैर करवाता हूँ। यहाँ पर आपको मतलब फेरीज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उसके अलावा यहाँ पर आउटलेट्स हैं, उसके बाद ज़बरदस्त यहाँ पर बच्चों का प्लेलैंड है, तो आपके साथ शेयर करते हैं। चले आए, आप भी हमारे साथ इंजॉय करें। जी तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसका नाम है विया पोर्ट मरीना। ये जो जगह है, यहाँ पर ये बच्चों का प्ले एरिया है, ये भी बच्चों का प्ले एरिया है। एक दूसरी साइड है, वहाँ पर भी बच्चों का प्ले एरिया। ये छोटी सी जगह है प्ले एरिया, लेकिन इससे जो बड़ा जो प्ले एरिया है जो बच्चों के लिए, वो दूसरी साइड पे है। ये जस्ट बिगनिंग में, जो स्टार्ट में जो है, जब विया पोर्ट के अंदर जब आप आते हैं, तो यहाँ पर ये जगह इन्होंने बनाई हुई है प्ले एरिया बच्चों का। तो आप देख रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है। आज रश है बहुत ज़्यादा, आपको पता है ईद का आज सेकंड डे है यहाँ पर टर्की में, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा रश है। लोग आए अपनी फैमिलीज़ के साथ अपना यहाँ पर एंजॉय करने। बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, उसके क्लीनलीनेस का बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर जो है अरेंजमेंट है। और यहाँ पर जो है जगह जगह इन लोगों ने डस्टबिन रखे हुए हैं, उसके अलावा लोग भी जो है वो थोड़ा सफाई का ख्याल रखते हैं। ये देख रहे हैं आप, लोग आ रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पर आकर उसको एंजॉय कर रहे हैं। आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पर जो है फेरीज चलती हैं, बोट्स चलती हैं, जो डिफरेंट आइलैंड्स पे चलती हैं, जो आप ऑन रेंट भी ले सकते हैं, तो उसको जो है फिर लोग अपना इंजॉय करते हैं। खाने पीने का बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, इसके अलावा डिफरेंट आउटलेट्स हैं यहाँ पर जो है मार्केट के, जो है जो डिफरेंट जो है कपड़े वगैरह जो है वो यहाँ से आपको मिल जाते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त ये जगह है, इसका नाम है विया पोर्ट मरीना, तुजला में है ये जगह। तो मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, तकरीबन है कोई 15-20 मिनट की ड्राइव है इसकी, तो इतना ख़ास दूर भी नहीं है। तो बड़ा ये अच्छा है कि कभी जब आना होता है तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत, घर से नज़दीक भी है और यहाँ पर आने का जो है मज़ा भी आता है। खाने पीने के लिए भी अच्छा अरेंजमेंट है और सिटिंग के लिए बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर अरेंजमेंट है। प्लस ये कि आज जिस वक्त मैं आया तो वेदर थोड़ा सा क्लाउडी था, उसके बाद फिर धूप निकली, फिर उसके बाद फिर जो है सर्दी हो गई, तो इसी तरह जो वेदर जो है मिला जुला चल रहा था। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है, यहाँ से अभी जाते हैं पोर्ट की तरफ जाते हैं, फिर पोर्ट के साथ इन लोगों ने मुख्तलिफ जो से रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पर ये इन्होंने जो है फाउंटेन्स बनाए हुए हैं, और ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त इसको मेंटेन किया हुआ है। आज इतना अच्छा खासा रश था कि जो है जब मैं वहाँ पर गया अपना जो है, बच्चों ने जो है वो, आपको पता है कि जब बच्चे आते हैं तो फिर उनके लिए कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए लेना ही होता है। तो यहाँ पर जो है फिर जब मैं बर्गर किंग में गया तो इतना खासा रश था, आप यकीन करें कि मैं तकरीबन कोई आधा पौना घंटा, तो खैर मैं तो बैठा रहा, बच्चे थे वो खुद ही गए और जो जाके जिसने जो लेना था वो लिया। तो लेकिन ये कहने का मकसद ये है कि आधा पौना घंटा उसमें लग गया जो है सिर्फ ऑर्डर देने में और करने में। तो ये जो है ये बीच है यहाँ पर जो है ज़बरदस्त, ये सारी फेरीज वगैरह खड़ी हैं, बोट्स वगैरह खड़ी है जो आप रेंट पे लेते हैं, और उसके बाद जो है आप अपना एंजॉय करते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। बड़ा ज़बरदस्त इनका जो है वो सिस्टम है, एक साइड पे इन्होंने वो जो रखा हुआ है बुकिंग के लिए, इनका जो ऑफिस है वो है, और उसके साथ यहाँ पर जो है ये देख रहे हैं पीछे इसके जो है शॉप्स हैं। तो लोग भी बड़े अच्छे सुलझे हुए लोग हैं, हर एक आता है अपने फैमिली के साथ घूमता है फिरता है, कोई किसी को वो नहीं है गर्ज, कोई क्या कर रहा है कोई क्या नहीं कर रहा, अच्छे सुलझे हुए लोग होते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त ये इनका जो है सिस्टम है। जी तो फ्रेंड, ये बड़ी ही खूबसूरत जगह है, बड़ा ज़बरदस्त यहाँ का एटमॉस्फेयर और मज़ा आता है यहाँ पर घूमने का। गहरा है भाई, ये समंदर है बाबा। हाँ ना, आप देख रहे हैं बोट्स खड़ी है यहाँ पर।
यहाँ पर जो है मुख्तलिफ बोट्स चलती हैं, यहाँ पर साथ ही इनका काउंटर है जहाँ से आप बोट्स ले सकते हैं ऑनलाइन। तो बड़ा ज़बरदस्त, जिसने घूमना फिरना है यहाँ पर डिफरेंट आयरलैंड पे आप जाना चाहते हैं यहाँ से जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त यहाँ का जो है एटमोसफेयर है। जी तो फ्रेंड, ये देख रहे हैं आप विया पोर्ट मरीना, इस जगह का जो नाम है, ये जो जगह है, ये जो रिजॉर्ट है या पिकनिक प्लेस है, जो भी आप कह लें, इसका नाम है विया पोर्ट मरीना। तो आप देख रहे हैं कि किस कदर इसको मेंटेन किया गया है। एक्चुअली इनको पता है ना कि इन लोगों ने पैसा कैसे कमाना है। पोर्ट की पोर्ट है, अपना काम हो रहा है, अपना बिजनेस हो रहा है, उसके साथ इन्होंने यहाँ पर एक पिकनिक जो है प्लेस बना दिया है। वहाँ से भी आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है।
जी तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ बर्गर किंग पे, यहाँ पर अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। यहाँ थोड़ी सी एक तो रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगी, और यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा रश है। अभी तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया यहाँ पर बैठे हुए अपनी टर्न का इंतज़ार करते हुए, तो टर्न तो अभी तक नहीं आई, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर आज कितना रश है। जी तो फ्रेंड, इस व्लॉग को मैं यहाँ पर करता हूँ क्लोज। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसमें अभी जो रात का जो व्यू है, जो लाइटिंग वगैरह है, मैं आपके साथ दूसरे व्लॉग में शेयर करता हूँ। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, मिलता हूँ एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।